News for India. श्याम भैया इसमें करवा लिया ना, पीछे पीछे गए और उसका गाड़ी रुका हमको। कितने बार अटेम्प्ट किया आपने मारने का? 3-4 बार। आगे वाले कैसे? आपको याद बता दो। 90 अभी आपने बोला नहीं याद था। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी इधर से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, एक्सीडेंट सर आपने वो धक्का लगते बचा था। धक्का लगा था कि नहीं? आवाज कम कर लीजिएगा तो उसकी बात भी सुनाई देगी। देखिए 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 सुन लेने दीजिए। साइलेंट रखिए थोड़ा। आपके साथ क्या घटना हुई थी? माइक हटाइए ना, लोगो हटाइए, लोगो हटाइए, लोगो हटाइए। आपने कहाँ से खरीदा था सर पिस्टल? आपके साथ और कौन कौन साथ? अरे ये नहीं हटाना जी, लोगो नहीं, रुको रुको, ये आराम से पूछिएगा तो बता पाएगा, आराम से पूछिएगा। आगे की है ना, उसके थोड़ा आगे की। ये बताओ एयरपोर्ट पे हुआ क्या था जिस दिन पहला दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था? चुप। हाँ दोबारा बोलो। वो धक्का लगते लगते बचा था। धक्का लगा था कि नहीं? नहीं। धक्का लगते लगते बचा था तो फिर क्यों, क्या हो गया था, क्यों इतना गुस्सा था आपको? सर मारने लगा हमको। क्या बोल रहा था? बस उतर के मारने लगा, हम रिक्वेस्ट कर रहे थे छोड़ दीजिए, मारने लगा मोबाइल। तो फिर आपने गुस्सा क्यों आया, मतलब क्या कारण हुआ अचानक? सर बस ऐसे गुस्सा। तो तुम प्लान कर लिया मारने का उसके बाद? आप तो चोरी का गाड़ी लेके हमेशा भागते होगे, तो हमेशा ऐसे ही एक्सीडेंट वाला स्थिति आता होगा तो हमेशा मारने का सोचते थे क्या लोग? तो आपने कैसे उनका पीछा किया, कहाँ कहाँ किया, कितनी बार अटेम्प्ट किया आपने मारने का? 3-4 बार। कैसे? तो मंदिर के पास खड़ा एक बार देखे, उसके बाद आप पहचान गए थे उसको उतने देर में ही? हाँ, गाड़ी से जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है? नहीं, वो ड्रेस पहनते थे हमेशा इंडिगो का। आप तो पढ़े लिखे हो, बाहर से ज्योग्राफी ऑनर्स की हो? जी नहीं। हाँ इंडिगो का बैच रहता है वो, तो कोई भी देख के दूर से पता चल जाता है। कैसे नहीं पहचान रहे थे? नहीं पहचान। आपको गाड़ी का नंबर याद था? बड़ा आदमी है, कुछ तो जानकारी आपने हासिल की होगी। था उस समय गाड़ी का नंबर याद था आपको? अकेले गाड़ी का नंबर याद था? किसके साथ था? गोली किसने मारी? एसएसपी सर आपने बोला गाड़ी का नंबर इनको याद था, ये देखिए आप पूछिए, आप पूछिए बताएगा वो, ये तो बोल रहा है कि नहीं है। देखिए आप एक होता है ना कि आप लोग जो हैफाजत कभी ये पूछे, कभी एक क्रोनोलॉजी से पूछिए। बता दो। 90 अभी आपने बोला नहीं याद था? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी इधर से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, एक्सीडेंट सर आपने बोला कि आपने परिवार से पुष्टि की कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, ये बोल रहे हैं गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। आपको मैंने बताई दो बात था, परिवार का वर्जन है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, डैमेज हुआ था। इनका वर्जन है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो ये मरते मरते बचे थे। एवरीथिंग ए पर्सन सेज इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। अभी कह रहे हैं सर कि एक्सीडेंट नहीं हुआ था। सी आई एम नॉट कोइंसाइडिंग टू पॉइंट्स, परिवार का वर्जन अपना हो सकता है, मैं आपको इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूँ, अपराधी का अपना कन्फेशन बता रहा हूँ, अपराधी आपके सामने आप पूछ सकते हैं। तुम्हारे गाड़ी से और रुपेश की गाड़ी से टक्कर हुआ था कि नहीं, तो फिर कैसे मरते मरते बच गए थे? उनकी गाड़ी स्पीड में थी सर, और आप बस मरते मरते बच गए। गाड़ी में और कोई था? एक्सीडेंट से बचा है अकेले से? एक्सीडेंट हुआ नहीं, कैसे मरते मरते बच गए? आप कर रहे क्या गए थे वहाँ पर? सर हम गाड़ी टर्न कर रहे थे, कुछ करने गए होंगे ना गाड़ी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।